यूरोप से, यूके से कैसे आप एल साल्वाडोर ट्रैवल कर सकते हो, मेक्सिको कैसे ट्रैवल कर सकते हो, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, जो जो भी उधर डेस्टिनेशन है एल साल्वाडोर, यानी कि जो लैटिन अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, मेक्सिको की तरफ जितने भी ये इधर के देश हैं, अगर आप यूरोप के अंदर बैठे हैं, यूके के अंदर बैठे हैं, तो आप लोग उधर ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लोग उधर घूमना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज लास्ट तक जरूर देखना। ये सभी आज टॉपिक आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत होती है। एजेंटों को आपको बिना पैसे दिए आप लोग सिर्फ टिकट टिकट के ऊपर एल साल्वाडोर, मेक्सिको आराम से जा सकते हैं, आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो कैसे हो दोस्तों आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज का जो यही मेन टॉपिक है कि यूरोप के अंदर जो हमारे भाई बैठे हैं, चाहे तो वो स्टडी वीजा पे हैं, चाहे उनके पास शंजन वीजा है, या वो वर्क परमिट पे हैं, या पुर्तगाल के अंदर, जैसे स्पेन के अंदर, इटली के अंदर उनके पास टीआरसी कार्ड है, या यूरोप शंजन के कोई और भी देश है उनके पास टीआरसी कार्ड है, तो वो लोग भी ये सोचते हैं कि जैसे हम एजेंटों को पैसे दूं, पैसे देकर तभी हम एल साल्वाडोर, मेक्सिको, ग्वाटेमाला उधर तभी हम ट्रैवल कर पाएंगे, उससे बगैर हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। तो दोस्तों बेसिक सा फटा है कि आप लोगों को एजेंटों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये लोग भी बेसिक सा जो सिस्टम है, आपको टिकट के ऊपर इनको नॉलेज होती है और इनको पता होता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी क्या पावर है। तो ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा, ये डॉक्यूमेंट लगाकर आप लोग भी आराम से मेक्सिको की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ऑन्ड्रास, और किस देश के अंदर आपने ट्रैवल नहीं करना है। अगर आप एल साल्वाडोर की ट्रैवल कर रहे हो, चाहे बेशक आपके पास दोस्तों टीआरसी कार्ड है, ये चीज भी बताऊंगा, अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो क्या क्या चीज आपने, वो पॉइंट है। तो मेन बात ये है कि आपके पास मान लो टीआरसी कार्ड है, चाहे आप वर्क परमिट के ऊपर हो, चाहे आप मान लो हंगरी में हो, आपके पास वर्क परमिट पे गए हो इंडिया से या किसी और देश से भी, तो आपके पास टीआरसी कार्ड है शंजन जोन का, चाहे आप हंगरी का है, चाहे पोलैंड का है, चाहे इटली का, चाहे स्पेन का, चाहे पुर्तगाल का, किसी भी देश का आपके पास यूरोप के अंदर है, तो आप लोग एल साल्वाडोर भी जा सकते हो। बस ये है कि एल साल्वाडोर जो पहले थोड़ा फीस कम थी, अब फीस थोड़ी सी ज्यादा लगने लग गई है, $1,130, और शायद कई बार हमने यह भी देखा है कि कई बार कुछ लोगों को इतनी फीस देने भी नहीं पड़ी। ये भी सिस्टम हमें दोस्तों मेरे को तो नहीं समझ में आया है, लेकिन मोस्टली काफी लोग वहां पे दोस्तों फीस देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो लोग मेक्सिको डायरेक्ट उतरने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो उनके पास यूरोप के पेपर हैं किसी भी देश के, शंजन जोन के लगा लो, और वो लोग मेक्सिको उतरते हैं, मेक्सिको ट्रेवल करना चाहते हैं, तो दोस्तों कई बार उनको एंट्री नहीं मिलती यूरोप के पेपर होने के बावजूद भी, शंजन वीजा होने के बावजूद भी, क्योंकि एक्चुअली वहां का दोस्तों फेसिंग सा फड्डा है। वो आप लोगों को यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है, मैं ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं बोल सकता, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैं कहता हूँ आप लोग सीधा मेक्सिको ट्रेवल ना करो। अगर आप लोग पेपर हैं उसके बाद आप थोड़ा सा आसपास दूसरे देशों में आपने पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल स्टैम्पे हैं, आपने जो ट्रैवल किया हुआ है आउट ऑफ शंजन, जब भी आप आए गए हो तो उन सबकी मान लो स्टैम्पे लगी हुई हैं, तो आपके पासपोर्ट थोड़ा सा अच्छा, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है यूरोप में रहते हुए भी, और आप एक्टिव हो, आप उनसे थोड़ा बहस कर सकते हो, आप उनको थोड़ा समझा सकते हो, तब आप मेक्सिको की ट्राई करना। अदरवाइज दोस्तों आप मेक्सिको को थोड़ा साइड में रख के आप एल साल्वाडोर या ग्वाटेमाला या ऑन्ड्रस, कोस्टा रिका, या फिर आप ब्राजील की तरफ ट्रेवल कर सकते हो, आप बोलीविया, इक्वाडोर, इन देशों के अंदर आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यूरोप की, आपके पास टीआरसी कार्ड है, शंजन वीजा है, मल्टीपल एंट्री, चाहे आप स्टडी वीजा पे हो, चाहे आप वर्क परमिट पे हो, तो आप लोगों के पास टीआरसी कार्ड होता है, और यही सिस्टम है यूके वालों का। यूके वालों के पास भी मोस्टली मान लो जो टूरिस्ट वीजा होता है वो कम से कम 6 महीने से 1 साल का उनके पास मल्टीपल एंट्री वाला वीजा होता है। आप लोगों को भी दोस्तों जो यूके के अंदर बैठे हैं, अगर आप लोग भी मेक्सिको की तरफ ट्रैवल करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ पहले आप ग्वाटेमाला एंट्री ले लो, एल साल्वाडोर एंट्री ले लो, ऑन्ड्रास,
कोस्टारिका इस तरफ एंट्री ले लो, उसके बाद आप बाई रोड जाते रहो, आपको वीजा की जरूरत नहीं है। आप लोग उधर आसपास जो भी देश आप घूमना चाहते हो इस तरह से आप लोग उधर आराम से ट्रैवल कर सकते हो। अब मेन बात आती है दोस्तों टिकट की। टिकट का ही सारा खेल है। टिकट जो आप लोग एजेंटों को पैसे देते हैं वो टिकट के सिस्टम को समझते हैं। यूरोप के अंदर से या तो स्पेन से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है सलवादोर की तरफ, मेक्सिको की तरफ, अम्स्टरडाम से जाती है। तो मेन ये चक्कर है कि आप लोगों ने टिकट ऐसी बनानी है कि आप लोग जा रहे हो और वापस आ रहे हो, हफ्ते का कम से कम डिस्टेंस दिखाना है, 8 दिन का, 9 दिन का। सेम पीएनआर के टिकट होनी चाहिए, सेम पीएनआर आने की और जाने की एक ही टिकट के अंदर आपका मेंशन होना चाहिए वो चीज। कंफर्म होटल बुकिंग पेड लगा दो, उधर कोई होटल ज्यादा महंगे नहीं है। आप हफ्ते की 8 दिन की भी होटल बुकिंग लगाएंगे तो दोस्तों 100, 150, 200 यूरो के अंदर काम निपट जाता है। इंडिया के हिसाब से 10-15 हजार रुपये के अंदर, 20 हजार रुपये के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम निपट जाएगा आपका 8-9 दिन का। अच्छा सा होटल आप लोगे तो भी। एक आपने ट्रैवल इंश्योरेंस, रेजिडेंस कार्ड, टीआरसी कार्ड आप लोगों के पास है ही है, यशांजन वीजा आप लोगों के पास है ही है, स्टडी वीजा आप लोगों के पास है ही है, यूके का वीजा जो लोग बैठे हैं यूके का वीजा आप लोगों के पास है, वर्क परमिट है, टीआरसी कार्ड है। तो आप लोगों के पास ये चीजें हैं, सिर्फ आप लोगों ने दोस्तों सिर्फ टिकट लेने हैं सेम पीएनआर वाले। चाहे आप ब्राजील की तरफ भी पहले अगर कहीं मिलती है आपको, इक्वाडोर, बोलीविया, आप उधर चले जाएं, वहां से आप दोस्तों इस तरह से आपका सिस्टम घुमाए कि 2-4 दिन वहां पे रुक लो, ऐसे ट्रेवल हिस्ट्री बनाते हो, उसके बाद आप एल्सालवादोर या ग्वाटेमाला इस तरफ आप आ सकते हो। लेकिन आपको जब वहां आओगे आपके पास टिकट आने जाने की सेम पीएनआर में, होटल बुकिंग कंफर्म, एक ट्रैवल इंश्योरेंस करा लेना, वीजे वाजे के आपके पास ये पेपर है ही है, आपको इधर के वीजे की किसी कंट्री की जरूरत नहीं है। तो ये चीज करके उसके बाद आपने जिस कंट्री में जा रहे हो वहां पे थोड़ा सा आपने गूगल पे सर्च कर लेना है कि जो आसपास की जिस कंट्री में जा रहे हो कि वहां पे टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं, उस सिटी के अंदर घूमने के जो टूरिस्ट प्लेस है उनको नोट कर लेना है आपने, एक पेपर पे भी निकाल लेना है, जैसे टूर पैकेज टाइप होता है उस चीज को भी आप उनकी इमेज के साथ लास्ट में लगा लो टूर पैकेज जैसे। तो इस टाइप से दोस्तों आप ये सारा सिस्टम है, एजेंट भी आपको यही 3 से 4 डॉक्यूमेंट देते हैं। और इस चीज को करके, इस चीज को आप समझ के, चाहे आप यूरोप में बैठे हो तो आप दोस्त एल सलवादोर, ग्वाटेमाला, निकारा गोवा, ऑन्ड्रेस की तरफ आराम से ट्रेवल कर सकते हैं बिना एजेंटों को पैसे दिए। चाहे ब्राजील हो डाउन वाली साइड में, इक्वाडोर हो, कोलंबिया हो, बोलीविया हो, आप लोग इस तरफ से, चाहे पुर्तगाल की टीआरसी है, चाहे स्पेन की है, चाहे इटली की है। तो आप लोग इस तरह से टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, थोड़ा घूमने फिरने का ट्रैवल प्लान, ये चीज बना के आप लोग दोस्तों उधर अपना ट्रैवल कर सकते। तो दोस्तों इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको हर वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बट रिक्वेस्ट दोस्तों एक ही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।